गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. टुडेज अवर टॉपिक इज द कंपनी आर्मी. कंपनी की फौज जो थी कैसी थी. कॉलोनियल रूल इन इंडिया ब्रॉट इन सम न्यू आइडियाज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म्स बट इट्स पावर रेस्टेड ऑन इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ. कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के जो नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली जो थी सत्ता सैनिक ताकत के हाथ में थी. उनका जो ताकत जो थी पावर रेस्टेड ऑन इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ, सैनिक ताकत के हाथ में उनकी थी. द मुगल आर्मी वाज मेनली कंपोज्ड ऑफ कैवेलरी. कैवेलरी होता है स्वार, मींस घोड़ की सेना. ट्रेन सोल्जर्स ऑन हॉर्स बैक, घोड़ सेना कहते हैं. एंड इन्फेंट्री दैट इज पैडल फुट सोल्जर्स, मीन्स पैदल जो सेना होती है उसको इन्फेंट्री कहा जाता है और घोड़ों की सेना को कैवेलरी कहा जाता है. मुगल आर्मी जो थी, मुगलों की आर्मी जो थी वो घुड़सवार और पैदल सेना के ऊपर जो थी कंपोज थी, उनके अंदर थी ये सेना. दे वर गिवन ट्रेनिंग इन आर्चरी, आर्चरी मीन तीरअंदाजी एंड द यूज ऑफ द स्वॉर्ड और तलवार चलाना. उनको तीरंदाजी और तलवार की विजय पर जो ट्रेनिंग दी जाती थी. द कैवेलरी डोमिनेटेड द आर्मी एंड द मुगल स्टेट डिड नॉट फील द नीड टू हैव ए लार्ज प्रोफेशनली ट्रेन्ड इन्फेंट्री. जो घुड़ सेना थी मुगलों के साथ, जो सेना के स्वार का जो था होल्ड होता था, कैवेलरी जो डोमिनेटेड मीन्स उनका होल्ड होता था. मुगल स्टेट डिड नॉट फील, और मुगलों के जो शासन था वो ये महसूस नहीं करते थे द नीड टू हैव ए लार्ज प्रोफेशनली ट्रेन्ड इन्फेंट्री. भी जो उनकी सेना जो है पैदल वाली उसको ज्यादा प्रशिक्षण देने के लिए वो ज्यादा नीड महसूस नहीं करते थे. द रूरल एरियाज हैड ए लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड पीजेंट्स. ग्रामीण इलाके के अंदर किसानों के पास वो से शस्त्र होते थे. एंड द लोकल जमींदार ऑफन सप्लाइड द मुगल्स विद पैदल सोल्जर्स, और स्थानीय जमींदार जो होते थे वो मुगलों को पैदल सिपाही जो है सप्लाई कर देते थे जरूरत पड़ने पर. इसीलिए वो ज्यादा पैदल सेना को ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं समझते थे. ए चेंज अकर्ड इन द 18th सेंचुरी व्हेन मुगल सक्सेसर स्टेट्स लाइक अवध एंड बनारस. मुगलों के जो सक्सेसर स्टेट्स जो थी मीन्स उनके जो एरिया था अवध और बनारस, उसके अंदर 18th सेंचुरी में एक बहुत बड़ी चेंज आई. स्टार्टेड रिक्रूटिंग पीजेंट्स, उन्होंने एक चेंज क्या कर दिया, किसानों को भर्ती करना शुरू कर दिया. रिक्रूट करना मीन्स भर्ती करना. इनटू देयर आर्मीज, अपनी आर्मी के अंदर किसानों की भर्ती शुरू कर दी अवध और बनारस स्टेट्स के अंदर जो थी. एंड ट्रेनिंग देम एज प्रोफेशनल सोल्जर्स, और उनको पेशेवर सिपाहियों की प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया. द ईस्ट इंडिया कंपनी अडॉप्टेड द सेम मेथड व्हेन इट बिगेन रिक्रूटमेंट फॉर इट्स ओन आर्मी. तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी यही मेथड अडॉप्ट किया जब उसने जो है वो अपनी सेना के अंदर भर्ती करनी शुरू कर दी. Which came to be known as the सिपाही, जिसको सिपाही कहा जाता था आर्मी के अंदर जो था, from the Indian word सिपाही, तो जो है meaning soldiers. English के अंदर सिपाही कहा जाता था, Indian word सिपाही था जिसका मतलब होता था सिपाही. As warfare technology changed from the 1820, जैसे ही 1820 के अंदर जो युद्ध संबंधी तकनीक थी वो चेंज हुई, द कैवेलरी रिक्रूटमेंट्स ऑफ द कंपनीज आर्मी डिक्लाइन. तो कंपनी के अंदर कंपनी ने कैवेलरी सेना की भर्ती करनी जो है वो कम कर दी. दिस इज बिकॉज द ब्रिटिश एम्पायर, ये इसलिए हुआ क्योंकि जो ब्रिटिश एम्पायर जो था वाज फाइटिंग इन बर्मा, अफगानिस्तान एंड इजिप्ट. तो ब्रिटिश एम्पायर जो था, बर्मा मीन्स आजकल का जिसको हम म्यांमार कहते हैं, म्यांमार अफगानिस्तान और इजिप्ट के साथ जो है वो युद्ध कर रहा था. वेयर सोल्जर्स वर आर्म्ड विद मस्कट्स एंड मैच लॉक्स, वहां पर सिपाही जो है वो मस्कट और मैच लॉक्स के साथ जो थे सशस्त्र होते थे. अब मस्कट का मीनिंग है
ए हैवी गन यूज्ड बाय इन्फेंट्री सोल्जर्स, एक जो है वो भारी बंदूक जो कि इन्फेंट्री सिपाहियों के द्वारा प्रयोग की जाती थी। मैचलॉक मींस एन अर्ली टाइप ऑफ गन इन विच द पाउडर वाज इग्निशेड बाय मैच, जो पाउडर वाली गन होती थी उसको जो है वो माचिस की तीली से जो है वो चलाया जाता था। तो ये जो है उनके पास मस्कट एंड मैचलॉक से सिपाही जो थे सशस्त्र होते थे उनके पास होते थे। द सोल्जर्स ऑफ द कंपनीज आर्मी हैड टू कीप पेस विद चेंजिंग मिलिट्री रिक्रूटमेंट एंड इट्स इन्फेंट्री रेजिमेंट्स नाउ बिकेम मोर इम्पोर्टेंट। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं के अंदर जो सैनिक रिक्वायरमेंट जो थी आवश्यकता थी उसके अंदर चेंजेस होने के कारण ये ध्यान में रखते थे। एंड इट्स इन्फेंट्री रेजिमेंट्स नाउ बिकेम मोर इम्पोर्टेंट, और अब उनकी जो थी पैदल टुकड़ी जो थी ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। इन द अर्ली 19th सेंचुरी द ब्रिटिश बिगेन टू डेवलप ए यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज जो है वो एक यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा सैनिक जो था संस्कृति जो है वो विकसित करना चाहते थे। सोल्जर्स वर इंक्रीजिंगली सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग ड्रिल एंड डिसिप्लिन, तो जो सैनिक जो थे उनको यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण दिया जाता था। ट्रेनिंग में प्रशिक्षण, ड्रिल में प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास, और डिसिप्लिन में अनुशासन जो था वो जो है उसकी शुरुआत करने लगे थे, ये ट्रेनिंग देने लगे थे। दैट रेगुलेटेड देयर लाइफ फार मोर देन बिफोर, उनके जो था जीवन जो था पहले से भी जो ज्यादा जो था विकसित होना था, नियंत्रण हो गया था। ऑफन दिस क्रिएटेड प्रॉब्लम्स सिंस कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग्स वर इग्नोर्ड, तो ये समस्या जो थी कभी कभी ये समस्या आ जाती थी क्योंकि जो इग्नोर्ड इन बिल्डिंग ए फोर्स ऑफ प्रोफेशनल सोल्जर्स, जब वो जाति के और समुदाय के जो जाति और समुदाय से संबंधित भावनाओं को नजरअंदाज कर देते थे मीन्स इग्नोर कर देते थे तब ऐसी समस्याएं आ जाती थी। कुड इंडिविजुअल सो इजिली गिव अप देयर कास्ट एंड रिलीजियस फीलिंग्स, क्या जो व्यक्ति जगह जो होते थे वो अपनी जाति और धार्मिक फीलिंग्स को जो है वो छोड़ सकते थे। कुड दे सी देमसेल्फ ओनली एज सोल्जर्स, क्या वो अपने आप को अकेला सिपाही के तौर पर देख सकते थे एंड नॉट एज मेंबर ऑफ कम्युनिटी, ना कि वो एक समुदाय का सदस्य होने के नाते अकेला अपने आप को सिपाही के तौर पर देख सकते थे। बट डिड द सिपाही फील, तो सिपाही जो थे क्या महसूस करते थे, हाउ डिड दे रिएक्ट टू द चेंजेस इन देयर लाइफ एंड देयर आइडेंटिटी, वो अपने जीवन और अपनी पहचान वो कौन है दैट इज देयर सेंस ऑफ हू दे वर, जो वो कौन है इसका जो है उसके अंदर अभ्यास में वो चेंज चाहते थे, बदलाव चाहते थे। द रिवोल्ट ऑफ 1857 गिव्स अस ए ग्लिम्प्स इनटू द वर्ल्ड ऑफ द सिपाही, तो जो 1857 का विद्रोह है वो हमें सिपाहियों की इस दुनिया की एक झलक दिखाता है, ग्लिम्प्स झलक दिखाता है। यू विल रीड अबाउट दिस रिवोल्ट ऑफ चैप्टर 5, तो ये रिवोल्ट जो है वो चैप्टर 5 के अंदर 1857 का रिवोल्ट है, उसके अंदर आप सारा ये पढ़ोगे। नेक्स्ट है कंक्लूजन, इसका निष्कर्ष क्या हुआ। दस साल ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम ए ट्रेडिंग कंपनी टू ए टेरिटोरियल कॉलोनियल पार्ट, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अब वो व्यापारिक कंपनी नहीं रही थी, वो भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई थी। द अराइवल ऑफ न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी इन द अर्ली 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के शुरू में स्टीम भाप से चलने वाली जो तकनीक थी उसके आने के बाद आल्सो एडिड दिस प्रोसेस, तो इस प्रक्रिया को और भी तेज हो गई उसकी सहायता से स्टीम टेक्नोलॉजी से। टिल देन इट वुड टेक एनीवेयर बिटवीन 6 and 8 months टू ट्रेवल, जहां पर वो पहुंचने के लिए 6 से 8 महीने का समय लगता था, टू इंडिया बाय सी, जो सी रूट के द्वारा जब जाते थे तो 6 से 8 महीने लग जाते थे। स्टीमशिप रिड्यूस द जर्नी टाइम टू 3 weeks, एनेबलिंग मोर ब्रिटिशर्स एंड देयर फैमिलीज टू कम टू ए फार ऑफ कंट्री लाइक इंडिया, तो स्टीमशिप्स ने ये यात्रा जो
की जो है वो कंप्लीट हो गई थी, जबकि वो 6 से 8 महीनों की यात्रा जो अब 3 महीनों में होने लगी थी। और ब्रिटिशर्स और उनके परिवार जो थे अब वो इंडिया के साथ दूर जो देशों के अंदर जो कंट्री के अंदर जो थे आसानी से आ जा सकते थे। By 1857, the company came to exercise direct rule over about 63% of the territory and 78% of the population of the Indian subcontinent. 1857 तक कंपनी ने 63% जो प्रशासन था एरिया था टेरिटरी थी और 78% पॉपुलेशन थी जो इंडिया की उसके ऊपर जो था उसने डायरेक्ट रूल शुरू जो है वो अपने अंडर ले लिया था, प्रत्यक्ष शासन कर लिया था। कंबाइंड विद इट्स इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द रिमेनिंग टेरिटरी, जो बाकी एरिया था उसके ऊपर भी उन्होंने इनडायरेक्ट वे से अपना प्रभाव जो है वो किया हुआ था एंड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, और रिमेनिंग पॉपुलेशन के ऊपर भी उनका इन्फ्लुएंस था और रिमेनिंग टेरिटरी के ऊपर भी उनका इन्फ्लुएंस था इनडायरेक्ट वे से। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड वर्चुअली द होल ऑफ इंडिया अंडर इट्स कंट्रोल। ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यवहारिक स्तर पर पूरे भारत पर जो है वो अपना कंट्रोल जो है वो किया हुआ था। आई होप यू अंडरस्टैंड द होल लेसन। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।